पंजाबी एकता चैनल देख रहे हो तुसी। इस वेल दी वड्डी खबर, पंजाब दी भगवंत मान सरकार ने पंजाब दे बजुर्गां नूं वड्डी खुशखबरी सुनाई है। पंजाब सरकार हुण पिंडां विच जाके ही बजुर्गां दे पेंशनां दे फार्म भरेगी। पंजाब सरकार वल्लों साडे बजुर्ग साडा माण मुहिम तहत सूबे विच बजुर्गां लई कैंप लगाए जा रहे हन। इस दा प्रगटावा समाजिक सुरक्षा इस्त्री ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कीता है। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने दस्सिआ कि जिला पद्धर ते सिहत कैंपां विच बजुर्गां नूं बुढ़ापे संबंधित बीमारियों की जांच, कान नक गले की जांच, अखा की जांच, ऐनकां दी वंड, अखा की सर्जरी दियां मुफ्त सेवावां दित्तियां जा रहियां हन। इन्हां कैंपां मौके बजुर्गां नूं मुफ्त दवाइयां भी दित्तियां जाणगियां। इस तों इलावा बजुर्ग व्यक्तियों के सीनियर सिटीजन कार्ड बनाए जाणगे ते बुढ़ापा पेंशन के फार्म भी भरे जाणगे। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार वल्लों इस निवेकली पहलकदमी नूं मुख्यमंत्री भगवंत मान दी दूरअंदेशी करार दिंदिआं कहा कि सरकार वल्लों 60 साल की उम्र हंडा चुके सूबे के हर बछिंदे मुढ़ली सहूलत देने लिए अजिहे उपराले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार बजुर्गों की भलाई लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। डॉक्टर बलजीत कौर ने बजुर्गों को अपील की है कि वह इस मौके का लाभ प्राप्त करने लिए समागम में शामिल होण। उन्होंने जानकारी देंदिया दस्सिया कि बजुर्गों की भलाई लिए साडे बजुर्ग साडा माण मुहिम की शुरुआत जिला फरीदकोट तो 3 अक्तूबर को की गई थी। इस तहत मोगा, लुधियाना, मुक्तसर, साई, फिरोजपुर, फाजिलका, बठिंडा, मानसा, संगरूर, मलेरकोटला, बरनाला, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण विखे जिला पद्धर से सेहत कैंप सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। उन्होंने दसा कि आने वाले दिनों में बाकी रहने जिलों में करमवार 8 नवंबर को जलंधर, 10 नवंबर को SBS नगर, 13 नवंबर को हुशियारपुर, 15 नवंबर को कपूरथला, 17 नवंबर को SAS नगर, 20 नवंबर को पटियाला, 22 नवंबर को रूपनगर, 24 नवंबर को फतेहगढ़ साहिब विखे कैंपा का आयोजन किया जाएगा। सो इस तक की वड्डी खबर, होर खबर देखने लिए साडे चैनल नाल बने रहो। धन्यवाद।